गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर केएल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक, विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियों में हमने पहले बात की एस्किमो और बुशमैन जनजाति की। आज हम बात करेंगे पिग्मी जनजाति। पिग्मी मानव जाति के अत्यंत सरल रोग हैं। इन्हें प्राय सर्वाधिक आदिकालीन मानव कहा जाता है और आरंभिक काल विकासवादियों द्वारा इन मानवों को पशुओं के अधिक निकट माना गया है तथा ये लोग कंदमूल, बेर, फल खाने युक्त पत्तियाँ, कीड़े मकोड़े, मेंढक, छिपकलियाँ और सभी प्रकार के पशुओं को पकड़ते हैं, जंगलों से एकत्रित करते हैं। पिग्मियों का मुख्य वर्ग उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका में निवास करता है। अफ्रीका महाद्वीप के पिग्मियों को पूर्वी, केंद्रीय और पश्चिमी वर्गों में विभाजित किया जाता है। इनका निवास क्षेत्र जो मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के कांगो गणराज्य के भूभाग में फैला हुआ है तथा पश्चिमी वर्ग के पिग्मी बोंगो गैबोन में निवास करते हैं। अफ्रीका के पूर्व पिग्मी मबूती जायरे के इतुरी वन प्रदेश में निवास करते हैं। अफ्रीका के अतिरिक्त अमेजन बेसन के रेड इंडियन, श्रीलंका के वेद्दा, न्यू गिनी में पापुआन और बोर्नियो के पुनन भी पिग्मी निग्रोटो प्रजाति से संबंधित हैं। इनको हम दक्षिण अफ्रीका के मानचित्र में भी देख सकते हैं। पिग्मू नाइजीरिया के पास कैमरून, गैबोन, कांगो बेसिन, जायरे में, युगांडा, केन्या, विक्टोरिया झील के आसपास और तंजानिया के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर पिग्मी पाए जाते हैं। इनका निवास क्षेत्र और इनका प्राकृतिक वातावरण, कांगो बेसिन की जलवायु अति उष्ण आर्द्र है। यहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी साल भर पड़ती है, बरसात अधिक रहती है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहती है। वार्षिक तापमान तक 4 डिग्री से अधिक नहीं हो पाता है। वार्षिक वर्षा का औसत 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। जो दलदल क्षेत्र है यहाँ वन इतने सघन होते हैं कि वृक्षों के नीचे प्रकाश न पहुँच पाने के कारण प्राय अंधेरा रहता है। वृक्षों के नीचे दलदली भागों में असंख्य मच्छर, जंगली जानवर, रेप्टाइल, रेंगने वाले जानवर, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जलवायु निम्नतर है। यहाँ बीमारियों का प्रकोप बहुत अधिक रहता है। उपजातियाँ, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हेरोडोटस ने पिग्मी के बारे में लिखा था कि ये लोग छोटे नाटे कद के होते हैं, वृक्षों के पलों से तन को ढकने वाले आदिवासी जो आदिमकालीन जाति के हैं। मध्य कांगो के जिलों में इनका वाल्वा कहते हैं और ये सभी लोग नाटे कद के हैं, जो निग्रिटो प्रकार की प्रजाति है। दक्षिण अफ्रीका में फिलिपाइन के वनों में एप्टा नामक निग्रोटो और न्यू गिनी में टापरो नामक पिग्मी लोग रहते हैं। अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण एशिया आदि देशों में इन नाटे कदों के निग्रोटिव मानव प्रजाति के सभी लोगों को नेग्री लोग कहते हैं। इनका जो शारीरिक संगठन है वो कद में छोटे होते हैं। पिग्मी पुरुष औसतन 4-4.5 फीट और औसत वजन 35 से 40 किलोग्राम के मध्य रहता है। पिग्मी महिलाओं की लंबाई वजन पुरुषों की अपेक्षा कम मिलता है। इनकी चमड़ी का रंग पीलापन लल्लाई लिए हुए भूरे रंग से गहरे भूरे काले रंग का होता है। इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए, होंठ मोटे लटके हुए, नथने चौड़े और नाक चपटी, होंठ थोड़ी पतली, आंखें बड़ी, बाल छल्लेदार गुच्छे के होते हैं। इनका जो भोजन है वो मांसाहारी और जंगल के फल कंदमूल का प्रयोग करते हैं और नदियों झीलों से मछलियां भी पकड़ते हैं। ये लोग न तो भूमि जोतते हैं और न ही पशु पालते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता भी बहुत कम पाला जाता है, परंतु आखेट करने में लोग बहुत दक्ष होते हैं। वे बड़े से बड़े जानवर का भी, हाथी तक का भी को भी घेर कर मार डालते हैं। बड़े जंतुओं के अलावा दीमक, चींटियाँ आदि मधुमक्खियों के शहद को बड़े चाव से खाते हैं।
मछली पकड़ने में भी बहुत चतुर होते हैं और एक डोरी में मांस का टुकड़ा बांध कर पानी फेंकते हैं और उसका लाश देकर बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लेते हैं। केला इन लोगों का प्रिय भोजन है। ये लोग आखेट भी करते हैं। शिकार करना और नदियों से मछली पकड़ना इनका मुख्य धंधा है। छोटे जीवों का शिकार प्राय अकेले व्यक्ति करते हैं, पर मछलियों को पकड़ने के लिए बंसी में मांस बांधकर जल में डाला जाता है और फिर जाल में फंसा जाने पर उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर वे सतर्क, जागरूक और चालाक होते हैं। इनकी सूंघने की और प्रेक्षण शक्ति अधिक तीव्र होती है, जिस कारण शिकारी जानवर को तुरंत पता लगा लेते हैं। इनके वस्त्र ऊंचे तापमान, अति आर्द्रता के कारण लोगों को अधिक वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये लोग नंगे बदन ही रहते हैं। स्त्री पुरुष केवल गुप्तांगों को ढकने के लिए छाल या डोरी या ताड़ की पत्तियां का प्रयोग करते हैं। शेष सारा शरीर बिल्कुल निर्वस्त रहता है। ये इनका निवास क्षेत्र। पिग्मी लोगों को आखेट और मछली जंगली खाद्य पदार्थों की खोज में घूमना पड़ता है, इसलिए कोई स्थायी गांव बसा नहीं सकते। झोपड़ी का प्रवेश द्वार एक छेद के समान होता है, जिसमें चार हाथ पैरों से घुटनों के बल रेंग कर अंदर बाहर आते जाते हैं। एक तो चलवासी लोगों का घुमक्कड़ जीवन, जिसमें अधिक सहज या घरेलू सामान रखना भार रूप होता है। दूसरे उष्ण आर्द्र वन, जहाँ साज सज्जा की आवश्यकता ही कम होती है। तीसरे पिग्मी का आदिमकालीन जीवन, पानी के लिए तुम्बी का प्रयोग करते हैं। व्यापार पिग्मी अपने कृषक पड़ोसियों से मौन व्यापार करते हैं। ये लोग रात्रि में अपने बंटू कृषक पड़ोसियों की बस्तियों में जाकर निश्चित स्थान पर पत्तियों में लपेट कर मांस रखाते हैं। दूसरे दिन उसी स्थान पर इनकी आवश्यकता की कृषि उपज रखी जाती है और इसे लोग उठा ले जाते हैं। व्यापार कदम छोटे नाटे होते हैं। पिग्मी लोग बलवान, निर्भीक और उत्साही होते हैं। वृक्षों पर तेजी से चढ़ जाते हैं और चढ़ने की इनको बार बार आवश्यकता होती है। पिग्मी की प्रेक्षण शक्ति बहुत तीव्र होती है। जंगली जंतुओं से इनकी स्वयं की सुरक्षा और उसका दैनिक भोजन उसकी दृष्टि से तीव्रता पर निर्भर करता है। हर समय सतर्क और जागरूक रहते हैं। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर तेजी से चुपचाप पहुंच जाते हैं। पिग्मी बहुत कुशाग्र बुद्धि होते हैं। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, ये प्रकृति से डरते हैं। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती है। पिग्मियों की संस्कृति आदिकालीन अवस्था में है। इनमें ऊंची जन्मदर पाई जाती है, किंतु महामारी के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि नहीं हो पाती। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं है तथा प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहता है। आधुनिक समाज से संपर्क। पिग्मी जाति के लोग संकालु प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग बाहर के लोगों को देखकर घने जंगली में भाग जाते हैं, उनसे संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। लोग सभ्य मनुष्य के साथ परस्पर वार्तालाप नहीं करते हैं। पिग्मी केवल अपने पड़ोसी बंटू कृषक जाति से व्यापार करते हैं, लेकिन इनका व्यापार मौन व्यापार होता है, जिसमें पिग्मी बंटू दोनों जाति के लोग आकर मिल नहीं पाते। केवल वस्तुएं निश्चित स्थान पर रखी जाती है और आपस में एक दूसरे की वस्तुओं को एक्सचेंज करते हैं और मोल भाव नहीं करते हैं। आवश्यकताओं के अनुसार अदला बदली करके पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही अपना व्यवस्था चलाते हैं।